हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आ रहा हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गो। इसको हमने ओपन करना है अपनी साइट एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको ओपन कर लूँगा अपनी पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। ओपन कर लिया तो ये मेरा इंटरनेट ऑन होने की वजह से ये एड्स वगैरह शो हो रहे हैं, तो इनको मैं ऑफ कर दूँगा, ठीक है। इंटरनेट को ऑफ़ करूँगा तो ये खुद ब खुद थोड़ी देर बाद ऑफ हो जाएंगे। तो ये हमारा यानी कि बैकग्राउंड ओपन हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली जाऊँगा ऐड फोटो में और इधर कुछ ये वाला पीएनजी मैं यूज़ करूँगा, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी ले लूँगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं इसको सेट कर दूँगा। सेट करने के बाद इसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी लेने के बाद उसको इधर सेट कर दूँगा। एक और डुप्लीकेट कॉपी लेने के बाद उसको मैं इधर सेट करूँगा और एक डुप्लीकेट कॉपी लेने के बाद उसको इधर सेट कर दूँगा, ठीक है। सेट करने के बाद मैं पिक्चर को कर दूँगा डन, ठीक है। डन करने के बाद मैं क्या करूँगा, चलेंगे हम ड्रॉ टूल में और अपनी पिक्चर को ऐड कर लेंगे, कोई भी पिक्चर। यानी कि आपने 5 से 6 पिक्चर को कॉलेज करना है तो हम पिक्चर्स को ऐड कर लेंगे अपनी पिक्चर को, ठीक है। तो मैं पिक्चर ऐड कर लूँगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये वाली पिक्चर ऐड कर लेता हूँ। इसको मैंने कर लिया ऐड, ऐड करने के बाद इसको मैंने इधर सेट भी कर लिया। सेट करने के बाद मैं इसको डन करूँगा और अब चलेंगे इरेजर में। इरेजर में जाने के बाद इसकी ओपेसिटी को मैं पहले कम कर दूँगा। इसको अब हमने कुछ इस तरीके से इरेज करना है। इरेजर में जाके हमने इधर से शेप में आना है, शेप इरेजर में, इधर से डब्बे को लेना और फिलअप ओके। अब मैं इधर से कुछ इस तरीके से हमने ये इसको इरेज करना है, डन। कुछ इस तरीके से इधर डन होगी। तो ये इधर डन, डन करने के बाद कुछ इस तरीके से इधर, ठीक है। यानी कि जो हमने बॉक्स का पीएनजी ऐड किया था उसको हमने, उसकी जो साइड पे वाइट लाइंस थी उनको हमने इरेज नहीं करना, उनके अंदर अंदर पिक्चर को यानी कि फ्रेम में लेना है, डन। अब ऊपर वाली साइड रहेगी। तो ये भी डन, डन करने के बाद हम इसकी ओपेसिटी को 100 करके देख लेंगे। ये हमारा पिक्चर इधर काफ़ी अच्छा मर्ज हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली जाऊँगा एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करूँगा और ऐड फोटो में जाके अपनी दूसरी पिक्चर को मैं ऐड कर लूँगा। तो मैं अपनी इस पिक्चर को ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ऐड करने के बाद इसको मैं सेट करूँगा इस वाले बॉक्स में, यानी कि इस वाले फ्रेम में इसको मैं सेट करना है। तो मैंने इधर सेट इसको पहले कर लेना है। सेट करने के बाद इसकी ओपेसिटी को करेंगे कम, ओपेसिटी को कम कर लेना है, ठीक है। और अब आ जाना सिंपली इरेजर में
और इरेजर हमने क्योंकि शेप वाला चूज़ किया ही हुआ है, तो इधर से कुछ उसी तरीके से जिस तरह हमने शेप वाला यूज़ डन। इसको हमने इरेज किया, इरेज करने के बाद इस वाले फ्रेम पे आ जाना है। इस फ्रेम को भी कुछ इसी तरीके से हमने इरेज करना है, ठीक है। ये आपको इरेज करना इजी रहेगा, क्यों? क्योंकि जो मैंने फ्रेम यूज़ किया है वो भी सिक्योर है, यानी कि डब्बे साइज है, और जिस तरह हम जिससे इरेज कर रहे हैं ये भी सिक्योर ही है, तो इस तरीके से आपको इजी रहेगा ये इरेज करना, ठीक है। इसको हमने कर लेना है इरेज। तो जो इस एडिटिंग में काम मुश्किल है वो यही है, यानी कि फ्रेम को इरेज कैसे करना है, ठीक है। यही बारीकी वाला काम है, और इसमें इस एडिटिंग में कोई इतना ख़ास यानी कि वर्क नहीं है। को फ्रेम इधर से इरेज करने के बाद कुछ इस तरीके से इधर आ जाएंगे। इधर से इसको सेट कर दूंगा। सेट करने के बाद पेस्टी में आएंगे, पेस्टी कर देंगे 100। तो ये नीचे से ये वाला साइज रह गया, तो इरेजर में ही रहेंगे, और ये नीचे से ये वाला आप फ्रेम इरेज करना भूल ही गए। डन डन करने के बाद इसकी ओपेसिटी को कर देंगे 100। तो ये भी हमारी पिक्चर हो चुकी है इधर मार्क। अब हम लेयर में चलेंगे और एक एम्प्टी लेयर और क्रिएट करेंगे, ऐड फोटो में जाएंगे और अपनी एक और पिक्चर ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो मैं ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने ये पिक्चर ऐड कर ली अपनी, इसको हमने मर्ज करना है इधर। सेट करने के बाद पेस्टी को कर देंगे कम और चलेंगे इरेजर टूल में। इरेजर ये सिक्योर चूज करके इसको हमने कुछ इस तरीके से इरेज कर देना, ठीक है। तो मैं ज़रा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आप लोग भी बोरिंग फील कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसको इधर से इरेज कर दिया, अब ऊपर वाली साइड रहेगी। यहाँ ये साइड रहती है अभी। डन करने के बाद इसकी ओपेसिटी को हम 100 कर देंगे। तो ये भी हमारी पिक्चर ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, ठीक है। डन करने के बाद अब हम एक और एम्प्टी लेयर क्रिएट करेंगे और ऐड फोटो में जाके अपनी एक और पिक्चर्स को ऐड कर लेंगे, ठीक है। दो पिक्चर और रह गई हैं, उनको हमने ऐड करके हमारी जो एडिटिंग है उसको आखिर की तरफ लेके चलते हैं। इस पिक्चर को हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद कुछ इस तरीके से इधर सेट कर दिया। सेट करने के बाद चलेंगे इसकी ओपेसिटी करेंगे कम, इरेजर को यूज़ करेंगे ये वाला बॉक्स, और इसको इधर से इरेज करेंगे, ठीक है। तो ये इधर से इरेज हो गया, तो ये वाली साइड अब हमने इरेज कर लेंगे, ठीक है।
ये साइड ही रेत होगी, अब ऊपर से रह गया, ठीक है। तो ये डन हो गया। डन करने के बाद इस कैपेसिटी को भी हमने 100 कर देना है। तो ये भी हमारी पिक्चर हो गई सेट। अब हमने एक और एम्प्टी लेयर क्रिएट करनी है और लास्ट पिक्चर को ऐड करके हम अपनी एडिटिंग को यानी कि इख्तिताम की रुख लेके चलते हैं, ठीक है। इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं अपनी पिक्चर को, ठीक है। तो ये वाला पिक्चर को ऐड मैं कर लूँगा। ऐड करने के बाद इसको मैंने कुछ इस तरीके से इधर सेट कर देना। सेट करने के बाद चलेंगे 3 डॉट में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे इसे न्यूवर्ड, क्योंकि अभी अब सेट हो चुका है, ठीक है। सिंपली डन कर देंगे। डन करने के बाद ओपेसिटी को करेंगे कम और इधर से इरेजर को चूज़ कर लेंगे, ये बॉक्स वाला, और इरेज करेंगे, ठीक है, जिस तरह हम यानी कि कर रहे हैं। रेज करने के बाद इसकी पेस्टी को हल्का सा बढ़ा देंगे ताकि हमें इरेज होता हुआ भी पता चले, ठीक है। इरेज कर लेंगे। तो ये इधर डन। अब इधर से रह गया, इसको हम डन। अब इधर से ये साइड बाहर रह गया, साइड से भी हम कर लेंगे, ठीक है। डन। अब इधर से ये रह गया। इसको करने के बाद ये हमारी पिक्चर है ना, वो हो जाएगी रेडी। उसके बाद इसमें जो कलर ग्रेडिंग है उसको हम सर अंजाम दे लेंगे। डन। डन करने के बाद इसकी पेस्टी में चलेंगे, पेस्टी कर देंगे 100। तो ये देखें हमारी पिक्चर ऑलमोस्ट हो गई डन। अब हमने इसको डन कर देना है। डन करने के बाद अब हमने क्या करना है, सिंपली जाना है इधर से मास्क में और इधर आना है हमने बॉर्डर वाले में, और इधर से आपने ये वाला मास्क चूज़ करना है, ठीक है। ये वाला मास्क चूज़ करने के बाद सिंपली पिक्चर को डन करना है। और डन करने के बाद अब हमने क्या करना है, इधर जाएंगे ब्रशेस में, इंटरनेट को ऑन कर लेना है, और इधर से आपने इधर बूके वाला इफ़ेक्ट होगा या हर्ष वाला अप्लाई कर लें, जो आपका दिल करता है। तो आप बूके वाला करें अप्लाई तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। क्योंकि वो हमने पिछली पिक्चर में भी यानी कि जो इससे पहले वाली फ़ोटो एडिटिंग का ट्यूटोरियल आया था उसमें भी हमने यही यूज़ किया था, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला था। तो ये हमारी पिक्चर ऑलमोस्ट डन। एफएक्स में चलेंगे, इधर से इफ़ेक्ट हमने डुड़कर अप्लाई कर लेना है, ठीक है। और फेड को हमने कर देना 50 के राउंड पॉइंट डन। तो ये हमारी पिक्चर ऑलमोस्ट हो गई है डन, जो कि हमारी क्वालिटी फ़ोटो एडिटिंग थी। तो अब हमने क्या करना है, सिंपली जाना है ड्रॉ टूल में और 3 डॉट पर क्लिक करना है सेव इमेज। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही लगाए बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक से पहले पहुंचे। तो नेक्स्ट वीक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखना।